19वां अध्याय योगी की स्थिति तथा उसके समक्ष आने वाले विघ्न रूप ऐश्वर्यों का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, हे ब्राह्मण महामुने, दोनों आदि युगों में ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए योगी, ब्रह्मा की पहले जो कार्य संतति रही है उसका मैं पूर्णता विस्तार के साथ वर्णन सुनना चाहता हूँ। वैश्यापन जी ने कहा, हे जन्मेजय, तुम बुद्धि के द्वारा मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वो सब दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के साधन में लगे हुए अपने योग युक्त मन के द्वारा विस्तार पूर्वक सुनो। हे भरत, जिनका मन योग में लगा हुआ था, जो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा से उन्मत्त हुए थे, जिनमें करने न करने और अन्यथा करने की शक्ति है तथा जो अत्यंत प्रभावशाली हैं, वह भगवान ब्रह्मा जब समृद्धि को प्राप्त होकर ठूंठ की भांत अविचल भाव से ब्रह्मा आसन पर विराजमान हुए, उस समय सहसा रजोगुण ने उन्हें विपक्षित कर दिया। अतः उन्होंने सृष्टि रचना द्वारा यहाँ भूतों का बहुमूल्य विस्तार किया। वह मोक्ष ही उसका लक्ष्य है। उस ज्ञानमय पद में अनुरक्त थे जिससे सहस्त्रों सामर्थ्यशाली पद प्रकट होते हैं। जैसे शौभारी अथवा कामर्द ऋषि ने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अनेकानेक वस्तुओं की रचना की थी, ब्रह्मा जी योग युक्त को सदा वेदात्मक ब्रह्म यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं अथवा वेद प्रतिपाग ब्रह्म रूप यज्ञ विष्णु का यजन करते हैं। इसलिए उस योग एवं यजन के प्रभाव से उन्हें विपुल और ज्ञान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। फिर योग युक्त एवं ब्रह्म भूत हुए ब्रह्मा ने समस्त प्राणियों के हित की इच्छा रखकर उस प्रथम प्राप्त हुए ऐश्वर्य का उन्हीं की भलाई के लिए उपयोग किया। उस निर्विकार परम शुद्ध कर्म द्वारा योग परायण ब्रह्मी भूत ब्रह्मा को उस समय आकाश स्वरूप ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। उस समय उनकी दृष्टि में सारा आकाश निर्मल एवं अविनाशी ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया। उस समय अवस्था में समस्त ज्ञानवान मनुष्य यह जान लेते हैं कि समस्त प्राणियों मनुष्यों तथा ऐश्वर्य युक्त ब्रह्मवादी योगियों का भी लय स्थान कूटस्थ ब्रह्म ही है। उस योग यज्ञ में संलग्न हो आकाश रूप अथवा अव्याकृत ऐश्वर्य को प्राप्त हुए ब्रह्मवादी ब्रह्मा के रूप में प्रावृत्त परायण हुआ ब्रह्म सब ओर से आकर प्राप्त होने वाले बहुसंख्यक महाबली विकारों के साथ वायु रूप अथवा व्याकृत ऐश्वर्य को प्रकट करता है। इन प्राप्त होने वाले समस्त विकारों के सब ओर से अवरुद्ध हो जाने पर सिद्ध हुआ ब्रह्मवेता योगी ध्रुव ऐश्वर्य कूटस्थ ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। वो सिद्धि योगी शरीर से निकलकर बिना किसी अवलंब के आकाश में दौड़ता है। स्वप्न सादृश्य मन कल्पित निरालंब भावों का आश्रय लेकर वहाँ विचरता है। ब्रह्म ऐश्वर्य से संपन्न हुए उस भूतात्मा योगी को आकाश में विचरते हुए इंद्र जैसे लोग भी अपने बहुसंख्यक नेत्रों द्वारा भी नहीं देख पाते हैं। जो ब्राह्मण शिरोमणि साधु मन के द्वारा ओंकार का चिंतन करते हैं वही समस्त कर्मों के बंधन से मुक्त हो उस ब्रह्मी भूत आकाशचारी योगी का दर्शन कर पाते हैं। हे राजन, ये ओंकार प्रणव संज्ञक पर ब्रह्म है जो मनीषी ब्राह्मणों के चिंतन का विषय है। वो प्राणोवाच्य पर ब्रह्म परमात्मा समस्त प्राणियों के भीतर उनकी चेतना के साथ विचरता है। ऐसा जानो, ये ओमकार समस्त वर्णों का अभिव्यंजक होने से महानाद है, पुराण आधार्थ नित्य है। इसका अवलंबन करने से साधक की ब्रह्म के साथ एकता हो जाती है। ये वायु भूत होकर अक्षर भाव से प्राप्त हुआ है। ऐसा दुजाति ब्राह्मण कहते हैं। ये प्रणव रूप रहित होकर भी तेज जल और अन्य
इन तीन धातुओं से युक्त हो, रूप से संपन्न आथार्थ वैखरी वाणी के रूप में प्रकट होता है। यही जीव आत्मा के से समस्त प्राणियों के भीतर विचरता, इच्छा अनुसार काम करता और समस्त इंद्रियों को अपने वश में रखता है। पूर्व काल में इस प्रणव का शास्त्र और आचार्य से उपदेश पाकर इसके निरंतर चिंतन पूर्वक वेदात्मक यज्ञ की भावना करते हुए मनीषी पुरुषों ने अपने मन के द्वारा सबको व्याप्त कर रखा था। यस स्वरूप ब्रह्म से युक्त तथा उस ब्रह्म से ही प्रकट हुए पवित्र जितेंद्रिया ब्राह्मण ब्रह्मलोक एवं उत्तम वैष्णव पद की इच्छा रखकर उस पद की प्राप्ति के लिए ही निश्चिंत भाव से सारी क्रियाएं करते हैं। हे भरत, ये पुनर्जन्म ग्रहण करने के लिए संसार में आना नहीं चाहते हैं, अपितु ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही यहाँ जन्म पाने की इच्छा करते हैं। वह दुज्जगण प्रातः मध्याह्न ओम सायं काल में तीन बार मल्ल उपहार समर्पण तथा प्रतिभाव ध्यान के द्वारा उन सत्य पराकर्मी परमात्मा श्री विष्णु का यजन करते हैं। हे नरेश्वर, वेद को ही प्रमुख प्रमाण मानते हुए उन ब्रह्म वेता योगियों ने यजन योगा अभ्यास और विक्रम योगाश्चर्य लाभ किया। वेदोक्त वचनों के अनुसार ब्रह्म वेता योगी भी वैष्णव तेज ब्रह्म ही हैं। जो ब्रह्म वेता ब्रह्मज्ञ ब्रह्मवादी कर्मों के बंधन से मुक्त पवित्र एवं सतव्रत परायण ब्राह्मण हैं, वही तेज जल और अन्य रूप धातुओं से मोक्ष काल में उस परमात्मा स्वरूप महत्तम का दर्शन करते हैं। वह परमात्मा ही पर ब्रह्म है, वही अद्भुत वैष्णव तेज है तथा वही रसात्मक परमानंद स्वरूप ऐश्वर्य है। पूर्वोक्त विकारों का विलय हो जाने पर ही उसका दर्शन होता है। भयंकर रूप वाले जो तामस विकार हैं, वह उस महात्मा योगी को व्यथित करते हैं। वह विकार उसे अत्यंत जल से आच्छादित करके घबराहट में डाल देते हैं। वो क्षुद्ध एवं अचेत हो जाता है। बहुत सी लहरें उसे आच्छादित कर लेती हैं, उनमें से कुछ तो शीतल होती हैं और कुछ उष्ण। इस प्रकार वह विकार ग्रस्त हो जाता है। वो महासागर में पड़कर दग्ध होने लगता है, किंतु उसमें डूबता नहीं है। कभी कभी महानदी में जल में डूब जाता है, परंतु जल के भीतर वो अधिक कष्ट नहीं पाता है। और कभी कभी जब वो जल में कष्ट पाता है, तब उसे बलपूर्वक अधिक शीतल जल में गिरा दिया जाता है। आसन और आच्छानंद से भी वंचित होकर वो अचेत सा हो जाता है। कभी गड्ढे में गिरकर जल से भीग जाता है। उसके मस्तक पर चारों ओर से जल के श्वेत प्रवाह गिरने लगते हैं। वो ऊपर ज्योति का दर्शन करता है और जल से भरे हुए अत्यंत गंभीर श्वेत और पीत रंग के बादल जो बिजलियों से उदासित से होते रहते हैं, उसे पग पग पर बाधा देने लगते हैं। इन विकारों के प्राप्त होने से सब प्रकार से इनका निरोध हो जाने पर अटल ब्रह्म ऐश्वर्य से पाकर वो ब्राह्मण ब्रह्म वेता योगी सिद्ध हो जाता है। उसके रसा स्वाद से अनेक प्रकार का रसा आत्मक ऐश्वर्य प्रकट होता है, जो सहस्त्र धाराओं में फैलकर मेघ रूप में परिग्रत हो जाता है। वो सामर्थ्यशाली सिद्ध योगी योग से नाना प्रकार के रसों की सृष्टि करता है तथा योग प्राप्त हेतु से समस्त प्राणियों के शरीर से उपयोग के लिए विविध ऐश्वर्य को प्रकट करता है। ब्रह्मवेता योगी के मोक्ष साधन योग में उसके स्वास्थ्य आत्मा के समक्ष विघ्न उपस्थित करने के लिए तेजस ऐश्वर्य प्रकट होकर अपने विकारों के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। उग्र घोर एवं विकराल रूप वाले गंभीर एवं पिंगल नेत्रों से युक्त नराकार प्राणी हाथ में डंडे लेकर उस योगी को पीटने लगते हैं। कोई भयानक पुरुष उसके नेत्र उखाड़ने लगता है, कोई उसकी जिह के टुकड़े टुकड़े कर डालता है।
तथा बहुत से विघ्नकारी पुरुष बारंबार जम्हाई लेते हुए एक साथ जोर जोर से कोलाहल करने लगते हैं। फिर वह तत्काल ही बहुत से रूप धारण कर लेते हैं और फिर योगी पुरुष को विशेष संतुष्ट करने के लिए नाचने गाने लगते हैं। साक्षात वे सब के सब स्त्रियों के रूप धारण करके योगी से संयुक्त हो जाते हैं और उसके गले में लिपटने या टपकने लगते हैं। वे अनेक रूप धारण करने के कारण उसे नाना विघ्नों द्वारा ही प्रलोभन में डालते हैं। स्त्री रूपधारी विघ्न निडर से होकर मधुरवाणी में नाम लेकर उसे पुकारते और एक साथ योगी के चरणों में मस्तक रखकर उसे प्रणाम करते हैं। वह योग में विघ्न उपस्थित करने के लिए ही उस योगी का कृपा प्रसाद चाहते हैं, उससे अनेक प्रकार की बातें करते और नाचते हैं। ऐसा करके वह कभी कभी योगी को जीत भी लेते हैं। इन विकारों को प्राप्त होने पर, इन सब का पूर्ण रूप से निरोध हो जाने पर अटल ऐश्वर्य को पाकर वह ब्रह्मवेता योगी सिद्ध हो जाता है। तदनंतर अग्नि की लपटों और सूर्यों की किरणों के समान उसे तजो रूप ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। फिर तो उसके शरीर से तेजो बिंदु प्रकट होने लगती है। सत्व आदि गुणों से घिरे हुए वह योगी आकाश में ज्योति स्वरूप होकर लोक में सदा ही चंद्रमा और सूर्य के मार्ग पर विचरते हैं। चंद्र सूर्य रूप होकर मेघ मंडल सहित उत्तम दिव्य ज्योति काल चक्र एवं श्रेष्ठ ध्रुव स्थान में विचरता हुआ वो वही रूप धारण करके इस लोक में प्रकाशित होता है। ये योगी ही पक्ष मास ऋतु संसत्सर लग्न लव मुहूर्त कला काष्ठा दिन रात्रि और प्रमाण निमेश उमेश ताराओं तथा विशेषता ग्रहों की गति इत्यादि सब कुछ हो जाता है। तदनंतर विकारों को स्वीकार करने के कारण योगी को पार्थिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उससे ग्रस्त हुए योगी सिद्धि के अविचल सिंहासन से नीचे गिरा दिए जाते हैं। लोभ का त्याग करने से वो विघ्न स्वरूप ऐश्वर्य तत्काल छिन्न भिन्न हो जाता है। विघ्न से कांपने और डराने वाला योगी जगत में नंदनीय है। वो भूमंडल में बारंबार विघ्नों से आहत होकर कष्ट पाता रहता है। प्राणियों के बहुत से रूपों और भूतलवासी अन्य विषयों से वो शीघ्र ही संबंध स्थापित कर लेता है तथा उनके द्वारा विक्षेप में पड़कर उसकी प्रकृति रुक जाती है। तदनंतर पार्थिक ईश्वर का सेवन करता हुआ वो योगी पुरुष सब ओर से मूर्तमान पार्थिविक धातुओं द्वारा बारंबार मारा जाता है। शक्ति तोमर तलवार गदा और छुरे की धार वाले सहस्त्रों खंगों द्वारा वो अनेकों बार धराशायी किया जाता है। अत्यंत तीखे मर्म भेदी बाणों के अग्रभाग से विदीर्ण होने का भी उसे अवसर प्राप्त होता है। इन विकारों के प्राप्त होने तथा उनके पूर्णता निरोध हो जाने पर अटल ऐश्वर्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ योगी सिद्ध हो जाता है। तत्पश्चात विकार से मुक्त हुए योगी के समक्ष पार्थिक ऐश्वर्य प्रकट होता है। जब समाधि लग जाती है और विकार लीन हो जाते हैं तब वो दिव्य गंध को सूंघकर दिव्य लोकों की बातें भी सुनता है। वो शरीर रहने तक दिव्य पुरुषों से भिन्न रहता है और देह पात होने पर सर्व आत्मा भाव को प्राप्त हो जाने से उनमें सबसे अभिन्न हो जाता है। अंतर जगत में जाता हुआ वो योगी परिमाण को प्राप्त होने वाले प्राधान की भांत पुण्य आत्माओं के अंतःकरण में भी प्रवेश करता है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्राद भाव विषयक 19वां अध्याय पूरा हुआ। 20वां अध्याय ब्रह्मा जी के
द्वारा योग धारण पूर्वक की गई मानसिक सृष्टि का वर्णन। वैश्यापन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, तदनंतर योग युक्त पितामह ब्रह्मा के मन में दूसरी धारणा को प्राप्त होकर विकार मुक्त अंतःकरण के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले कर्म का आरंभ किया। ब्रह्मा जी ने मन से सर्वांग धारणा करके हंसते हुए से ब्रह्म योग से युक्त हो मानसिक संकल्प के द्वारा प्रजाओं की सृष्टि की। उन भगवान ने नेत्र से रूपवती अप्सराओं को उत्पन्न किया और नाशिका का अग्रभाग से विचित्र वस्त्रधारी गंधर्वों की सृष्टि की। वह सैकड़ों और सहस्त्रों गंधर्वों जिनमें तू तुम्बुरु आदि प्रधान थे, सबके सब नृत्य और वाग में निपुण तथा शाम गान में कुशल थे। तदनंतर योग के ज्ञाता एवं सर्वसमर्थ स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्म योग के द्वारा दिव्य नेत्र वाली पवित्र ध्वजों के द्वारा सेवनीय मूर्तमती वेदवाणी स्वरूपा लक्ष्मी को प्रकट किया, जिनके नेत्र बड़े मनोहर थे। केशांत भाग बहुत ही सुंदर था, भौंहें भी मनोहर थी, मुख की प्रभा कामनीय कांति से प्रकाशित हो रही थी और वह हाथ में परम सुंदर सतदल कमल से लेकर उससे बड़ी शोभा पा रही थी। हे नरेश्वर, भूत आत्मा ब्रह्मा ने समस्त प्राणियों के भाव योग अंतःकरण की वासना के अनुसार ईश्वर प्रेरित चित्त के द्वारा मानसिक संकल्प से ही उनकी रचना की। उन प्रभु ने नेत्र से सौंदर्य शालिनी अप्सराओं की तथा नासिका के अग्रभाग से सुंदर वस्त्रधारी एवं वाघ कुशल गंधर्वों की सृष्टि की। उन्होंने समस्त गंधर्वों के लिए गंधर्व वस्त्र तथा अनन्यान ब्राह्मणों के लिए सामगान की विधान की रचना की। अस्थावर जगम सभी प्राणियों को उन्होंने अपने पैरों से उत्पन्न किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं, मनुष्य किन्नर यक्ष पिचास नाग राक्षस हाथी सिंह वाघ सहस्त्रों प्रकार की मृग नाना प्रकार की तृण जाति तथा बहुत से चौपाए। इन सबको उन्होंने उनके पूर्व जन्म की आंतरिक वासनाओं के अनुसार उत्पन्न किया। प्राणियों के पूर्व जन्म के कर्मा अनुसार प्राप्त हुए कारण को विचार करके ब्रह्मा ने पूर्वोक्त चराचर जीवों की सृष्टि की तथा ऐसे जीवों को भी उत्पन्न किया जो हाथ में लेकर खाते हैं। विधाता ने हाथों से कर्म की और मन से मंतव्य की सृष्टि की। प्राणियों का सुख चाहते हुए ब्रह्मा जी ने प्राण आदि रूप से उनके लिए प्रणनन आदि विविध कार्य की सृष्टि की तथा पांचों इंद्रियों के निरोध द्वारा परमानंदमय परमेश्वर का साक्षात्कार करके उनका समीप प्राप्त किया। उन्होंने हृदय से गऊओं की भुजाओं की पक्षियों की तथा भिन्न भिन्न वैश्यों से दूसरे दूसरे जंतुओं की रचना की। प्रज्वलित तेज वाले मन सहित पांचों ज्ञान इंद्रियों को अपने अधीन रखने वाले ब्रह्म वंश प्रवर्तक दिव्य ऋषि मुनिवर अरिंगा को एकेश्वर भगवान ब्रह्मा ने योग बल के द्वारा अपनी दोनों भुवों के बीच प्रकट किया। ब्राह्मण वंश के चलाने वाले परम धर्मात्मा दिव्य ऋषि भृंगु को ललाट के मध्य भाग में प्रकट किया तथा उन महायोगी पितामह ने कलह प्रिय नारद एवं सुंदर शरीर वाले सनत कुमार को अपने मस्तक से प्रकट किया। पितामह ने उन सोम की भी सृष्टि की जो युवराज पद पर अभिषित हुए। वह रणजनी पति चंद्रमा ब्राह्मणों के सनातन राजा हैं। महान तप से युक्त चंद्रमा अपनी प्रभा से जगत को प्रकाशित करते हुए दूसरे ग्रहों के साथ आकाश मंडल में विचरते हैं। योग से सिद्धि को प्राप्त हुए भगवान ब्रह्मा ने मानसिक संकल्प पूर्वक अपने भिन्न भिन्न अंगों द्वारा समस्त चराचर प्राणियों की सृष्टि की। समस्त भूतों के पितामह ब्रह्मा जी ने उन भूतों के लिए बहुत से स्थान
तथा उनके योग क्षेम के लिए विभिन्न प्रकार के सैकड़ों उपायों का निर्माण किया।